आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जो बिजली का पानी का जो काम किया है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, दिल्ली में बजट सरप्लस है, इतनी चीजें फ्री देते हैं उसके बाद भी सरप्लस है। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। झाड़ू सफाई करती है हमेशा, भाई सफाई कहीं भी हो झाड़ू तो होगी। नमस्कार, मैं आज जैसे जैसे चंडीगढ़ चुनाव के अंदर झाड़ू चली वैसे वैसे भाजपा और अन्य पार्टियों का खात्मा होता हुआ देखा जा सकता है। और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और आम आदमी की जो चेयरपर्सन कैंडिडेट भिवानी के अंदर उनके अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल देखा जा सकता है। यानी जीत चंडीगढ़ हुई है, लड्डू आज भिवानी बटने का काम हो रहा, तो ये आम आदमी पार्टी का और झाड़ू का तो जादू भिवानी के अंदर भी चलता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि एक अलग ही जोश कार्यकर्ताओं के अंदर और अलग ही जोश लड्डू हाथों में लड्डू लेकर दिखाया जा रहा। अब देखते हैं कि ये जोश वोट में कितना तब्दील होगा और किस प्रकार से तैयारी होगी अब, क्योंकि इंदु शर्मा को भी इन्होंने घोषित किया हुआ आम आदमी पार्टी से चेयरपर्सन की सीट नगर परिषद के लिए। तो आज छोटी काशी के अंदर तो ये सारे सतम है। अच्छा, वो एक बात कह रहे थे बचपन में बात कह रहे थे कि बहू कह लो, बेटी कह लो, बेटा कह लो, उसका पग फिर हो जाया करे है, तेरा तो पग फिर अच्छा हो गया। बिल्कुल कमाल कर दिया आपने, ये सच्चाई है। नहीं पूछने का सुनो, आम आदमी पार्टी में जैसे इंदु शर्मा ने कदम रखा है, चंडीगढ़ मामले जो है परचम लहरा दिया, झाड़ू से गंद को सफाया करना शुरू कर दिया, पहले दिल्ली में करया, अब चंडीगढ़ में करया, पंजाब में करेंगे, गोवा में करेंगे, और धीरे धीरे पूरे भारत में अरविंद केजरीवाल जी का राज होगा, मतलब साफ सफाई का राज होगा, काम का राज होगा, जो काम के प्रति वोट मांगे जाएंगे, बिल्कुल काम के प्रति। ये नहीं कि जाति धर्म ऐसे कुछ नहीं होगा। तो है चारे पार दिए, देखिए अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, अच्छा। जो उन्होंने स्कूलों को अस्पतालों को फ्री किया, बहुत बढ़िया बनाया। और आज एक बात देखिए आप, जब हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो इस देश की व्यवस्था बदलेगी। अब गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, जिसका हॉस्पिटल अच्छा इलाज होगा तो उसकी व्यवस्था सुधरेगी। और दूसरा, उन्होंने जो बिजली का पानी का जो काम किया है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, दिल्ली में बजट सरप्लस है, इतनी चीज़ें फ्री देते हैं उसके बाद भी सरप्लस है, तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है उस मॉडल का एक नया आगाज हुआ, नया उदय हुआ है, जो चंडीगढ़ की जनता ने अपनाया है। तो सीए हो, प्लान और ग्राफ तो बढ़ा के बैठ गए होगे। बिल्कुल, चंडीगढ़ जीत के तो है, चंडीगढ़ में जीतेंगे। हमने हमारे भिवानी में इंदु शर्मा जी को नगर परिषद चेयरपर्सन का उम्मीदवार घोषित किया है और यहाँ भी हम जीत का परचम लहराएंगे और 31 के 31 वार्डों में हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जनता में अंडरकरंट है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर आदमी चाहता है कि केजरीवाल आए। अग्रवाल जी बड़ास लिए बैठे थे, लिखना कौन थी है? आज तो फूल पड़ो, देखिए मैं बता दूं आपको कि अपने देश में जिस तरह से मीडिया काम करता रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बीजेपी का, कांग्रेस का आईटी सेल बदनामी करता है केजरीवाल की, आज लोगों ने उससे लड़ते हुए भी चंडीगढ़ में जीत दिलाई है। तमाचा मार दिया लोगों ने, लोगों ने तो गंदी राजनीति को तमाचा मारा है, लोगों ने भ्रष्ट राजनीति को तमाचा मारा है, लोगों ने पैसे खाने की राजनीति को तमाचा मारा है। आज भिवानी में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले, जिस तरह से प्रधानों ने गालियां दी फोनों के ऊपर गंदी गंदी, और जिस तरह से ठेकेदारों से कमीशनबाजी की चर्चाएं हुई, आरोप लगे, उस राजनीति को भी भिवानी में तमाचा लगेगा। ये तो खुंड तार तार के लेंगे, बख्शा नहीं गए, मुबारक हो। बिल्कुल सर, आपको भी नेता ने माना कि इंदु जैसे शर्मा ने ज्वाइन करी चंडीगढ़ का डंका बजा दिया, मुबारक बहुत बहुत इनका आशीर्वाद है जी, जो अच्छा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आने वाला इलेक्शन भी क्या कहेंगे आज, ये बात था मुझे, जिस प्रकार से चंडीगढ़ अंदर बढ़त
करती हुई आम आदमी पार्टी भाजपा को पछाड़ती हुई, तो क्या लगता है कि पंजाब की तरह ये हरियाणा के अंदर भी जादू चलाएगी और दिल्ली की तरह जादू चल पाएगा? सर ये जादू पंजाब हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये जादू चलने वाला है पूरे भारत में। अच्छा जी, भारत के जो अगले पीएम बनेंगे वो बनेंगे श्री अरविंद केजरीवाल जी। और ये भिवानी की सीट ये भी आम आदमी पार्टी को ही जाएगी। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और पूरे भारत में एक दिन ऐसा होगा कि पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। यानी राष्ट्रीय पार्टी होगी भविष्य की, तो आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बिल्कुल। तो कितने लड्डू खाए, कितने लड्डू बांट दिए बता दे तो। जितने भाई थे सब ने लड्डू दिए, और कसर होगी तो और मंगा देंगे, हमारा खुशी इतनी है। कार्यकर्ता के अंदर एक अलग ही जोश दिखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जोश आज हमारे अंदर, क्योंकि ये तो शुरुआत है चंडीगढ़, तो अभी पंजाब जीतना है, फिर गोवा जीतना, फिर हरियाणा भी जीतना है, और इंदू वाली बात है धीरे धीरे पूरे भारत पर जो गंधन है इसको हटा के हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। दो राज्य के राजधानी जीत के तो इस बार तो केले हो गए। नहीं नहीं, पूरा भारत सही है ना। अच्छा, सर ये तो आगाज है, ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तक जब पहुंचेंगे जब अरविंद केजरीवाल जी देश के पीएम बन रहे। पहले देश की राजधानी जीती और आज हमने हरियाणा की राजधानी जीती है। पंजाब की तो जीती है, हम हरियाणा की राजनीति को भी जीते हैं। और राजधानी आज जीती है, अभी देश की राजधानी हमारे पास, मचा दो झाड़ू देगी, हर राजधानी पे हमारा कब्जा हुआ। हम अच्छी राजनीति, अगर और भी कोई राजनेता आएगा वो भी हमसे सीख लेगा और अच्छी राजनीति करनी शुरू करेगा। अभी काम करना शुरू कर देंगे दूसरी पार्टी वाले भी, क्योंकि लोग काम पे बोल रहे हैं। झाड़ू गली सुपड़ा साफ करते दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल झाड़ू सफाई करती है हमेशा, भाई सफाई कहीं भी हो झाड़ू तो होगी। वैसे बात तो कहनी पड़ेगी, टोटो के नेता खड़े लिया हो, टोटो के टोटो के नहीं लेंदे नेता, नेता ने हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, ये बात सच्चाई है। और बड़ी खुशी भी हुई कि इंदू के आने से पूरी भिवानी में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी की सीट निकलेगी। बिल्कुल, ये पूरी भिवानी में चर्चा, मेरे पास फोन आते हैं, फोन आते हैं, चर्चा भिवानी चंडीगढ़ बाज गया। नहीं, मेरे दोस्त फरीदाबाद गुड़गांव बाहर कहते हैं, उनके फोन है, इंदू शर्मा को टिकट दे दी। मखा बोले ये तो बड़ा वो अच्छा काम करे, आपकी पार्टी एकदम खड़ी होगी। मखा भाई ये तो धीरे धीरे सारा काम होना था, पंजाब का चुनाव के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, अगर बाद में चुनाव होता ना तो इंदू का बराबर माने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी है, एक लहर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जोश देखें। चंडीगढ़ की जीत के बाद आज फिर से एकता छोटी काशी के अंदर दिखाते हुए और देखते हुए, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतनी खुशी देखी जा सकती है। देखें नारों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं फिलहाल, जे एन सिंह से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट। लड्डू पाच खाइयो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।